नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत महागठबंधन एनडीए समेत अन्य दलों ने प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार दिया है। हालांकि इन सबके बीच बिहार में विधानसभा उपचुनाव के बीच में महागठबंधन के अंदर जबरदस्त खेल देखने को मिल रहा है। पहले राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और उसके बाद कांग्रेस ने, लेकिन अब लेफ्ट का झुकाव कांग्रेस की बजाय राजद की तरफ देखने को मिल रहा है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भाकपा माले ने विधानसभा उपचुनाव में राजद के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि चुनाव में किस दल की रणनीति को जनता सराखों पर रखेगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी जानकारी साझा की है, जिसमें चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, या यूं कहे चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका पालन करना हर दल की जिम्मेदारी होने वाली है। जिसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव का आयोजन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। साथ ही कोरोना के वर्तमान माहौल को देखते हुए चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की माने तो 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में कुल 602 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। चुनाव को लेकर 5 लोगों के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन करना होगा। इसको लेकर हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने निर्वाचन विभाग सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। इसके पहले उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एचआर श्रीनिवास ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव एजेंट और मतगणना एजेंट की समय पर तैनाती करने को कहा गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पोस्टल बैलेट की मतगणना को लेकर कितने टेबल लगेंगे, इसकी पूर्व लिखित सूचना उम्मीदवारों को दी जाएगी, जिसके बाद प्रत्याशी उन टेबल पर मतगणना एजेंट को तैनात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दोनों सीटों पर जदयू का कब्जा रहा है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट जदयू विधायक शशि भूषण हजारी के पास थी। हालांकि उनके असमय गुजर जाने के बाद से यह सीट खाली पड़ी थी, लेकिन जानकारों की माने तो इस सीट पर जदयू का उम्मीदवार ही प्रबल दावेदार है। वहीं अगर हम तारापुर विधानसभा सीट की बात करें तो पूर्व मंत्री और जदयू के एमएलए मेवालाल चौधरी के पास ये सीट थी। हालांकि कोरोना के कारण उनकी भी जान चली गई, जिसके बाद से ये सीट खाली पड़ी थी। वहीं जदयू की इस सीट पर प्रबल दावेदारी को देखते हुए एनडीए की तरफ से आगामी उपचुनाव में केवल जदयू ने ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि 2 सीटों के लिए महागठबंधन 2 धरों में बंट गई है। आलम कुछ यूं है कि दोनों ही पार्टियों ने एक दल में रहने के बावजूद अलग अलग उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिससे महागठबंधन में फूट साफ दिखाई दे रही है। ये तो हो गई आगामी उपचुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों की बात। अब अगर हम बात करें चुनाव की, तो खाली पड़े 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है, जो कि 30 अक्टूबर को होने वाली है, जिसके बाद 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 5 नवंबर से पहले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस सीट पर किन राजनीतिक दलों को सफलता मिलती है, किन की रणनीति सफल साबित होती है। हालांकि आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हालांकि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 2 सीटों पर किस दल के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।